जगह खूब स्वच्छ है बरसाना में। और हम जा रहे हैं अभी वृंदावन और चलिए सब बैठ रहे हैं गाड़ी में, तो हम भी बैठते हैं गाड़ी में और इसके बाद हम जाएंगे सीधा वृंदावन में। और ना मैं व्लॉग बनाई थी, पीछे से हॉर्न बजा रहे, मैं कह रही क्या हो गया, मेरा भयंकर कड़ाके वाली धूप लग रही है। और राधे राधे बिहारी लाल की जय। यहाँ पे हमारी बस चलने लग गई वृंदावन के लिए और हम करेंगे वहाँ पे बाकी बिहारी जी के दर्शन और निधि वन जी के। यहाँ पे आगे चलते चलते हमें लोग ना खेतों में दिखाई दिए, तो यहाँ पे आजकल फसल काटने का टाइम है। यहाँ पे अभी से ना गेहूं की कटाई शुरू हो गई और हमारे पहाड़ों में थोड़ी लेट गेहूं की कटाई होती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है, हमारे पहाड़ों में थोड़ा ठंडा है। समतल मैदानों के खेत ना बहुत अच्छे होते हैं, काफी लहराते हुए खेत होते हैं और बहुत अच्छे गेहूं होते हैं। आप देख सकते हो ऐसे लग रहा है जैसे सोना चमक रहा होगा ना, और पूरा बहुत बड़ा किला है और दूर दूर तक आप देख सकते हो कितने सुंदर गेहूं लहरा रहे हैं। गाँव में ना ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता है, हमारे गाँव में ना सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और शहरों में ना प्लेन खेत होते हैं, तो वहाँ बहुत अच्छी फसलें होती है। वृंदावन पहुँच गए और यहाँ पे माता देवी जी के दर्शन करने के लिए, आप देख सकते हो कितनी सुंदर माता है। यहाँ पे बताए थे 100 लाइटें जलती है बलरंग बिरंगी, तो हमारे ग्रुप के सारे इधर खड़े हैं, तो हमारी बस भी खड़ी हो गई, टाइम भी 2 बज गया। तो हम जी अभी हमें यहाँ से बाकी बिहारी जी के दर्शन करने प्रेम मंदिर के भी, तो यहाँ से 6 किलोमीटर बाकी बिहारी जी के दर्शन होंगे और प्रेम मंदिर जी के दर्शन 4 किलोमीटर दूर है। और ना भयंकर धूप लगी है और मैंने तो स्लीपर भी नहीं पहनी हुई है और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पे भाई। तो बस स्टॉप में रुक गई और यहाँ से हमें ना ऑटो वगैरह पकड़ने पड़ेंगे। तो हाँ खोल दो इसको, नाक धूप लग रही है, हमें इसको अच्छे से नीचे कर रहे थे तो ये पूरा पैरों में गिर गया था। चलिए जी हम सबके सब ई रिक्शे में बैठ गए और यहाँ पे ना 100 रुपये एक सवारी है, तो चलिए पूरे दिन दर्शन कराएंगे हमें और जितना हो सके पूरे मंदिरों के दर्शन कराएंगे। और जैसे तैसे करके हम अच्छे से यहाँ पे बैठ गए और सच्ची में काफ़ी धूप भी लग रही है और यहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी पर ठीक है। यहाँ पे अभी हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हम केसी घाट में पहुँच गए, तो कितना सुंदर है केसी घाट और सब वोटिंग भी कर रहे हैं। और चलो हम यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये भगवान ने चील वस्त्र चुराए थे वो जगह। चलिए आपको भी सुंदर दर्शन कराते हैं। यहाँ पे गोपियाँ जब नहाती थी तो कृष्ण भगवान के चील वस्त्र चुराते थे, तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। और चलो यहाँ पे केशव घाट है, आप देख सकते हो यहाँ पे लोग सब वोटिंग करते हैं। और यहाँ पे ना यहाँ आरती घाट यहाँ पे का नाम है, तो ये ना आरती घाट है कितना सुंदर। तो यहाँ पे आरती होती है यमुना जी की, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से, व्यूज़ कितने अच्छे आ रहे हैं यहाँ से व्यूज़। और हमारे साथ ही वहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे वो है वो चश्मे वाली, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नदी है यमुना नदी और यहीं पे आरती भी होती है। और ये चीर घाट है, इस साइड है, इस साइड चीर घाट है, इधर केशव घाट है, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और ये महल देख सकते हो, ये तो कितना अद्भुत बहुत ही सुंदर महल। और यहाँ पे हमारे ग्रुप के सारे लोग मिल गया, इकट्ठा हो गए यहाँ पे, फिर दोबारा ये अलग हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो चलिए अभी हम दोबारा इधर से निधि वन की तरफ चल रहे हैं। जय श्री कुंज बिहारी। और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर निधि वन है यहाँ पे। और यहाँ पे श्रद्धालुगण ना बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ बाकी बिहारी जी से जुड़ी निधि वन भी है और ये बाकी बिहारी जी के मंदिर के पास ही है। ऐसे वन तुलसी वृक्ष कहीं नहीं दिखाई देंगे, मात्र निधि वन में ही तुलसी वृक्ष दिखाई देते हैं। निधि वन मंदिर में श्री कृष्ण ठाकुर जी रात होने के बाद आते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी अपनी गोपियों के साथ यहाँ पे दिव्य रासलीला करते हैं। आज भी रात्रि को लीला करने आते हैं और यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे ना बंदरों का डर है इसलिए कोई ना फोन नहीं चलाएगा, तो चलिए मैं भी फोन रख देती, पर आप देख सकते हो कितना सुंदर है यहाँ पे और कितने पुराने पौधे हैं ये। और अभी ना पतझड़ का टाइम है इसलिए पत्ते अभी कम है, थोड़े दिनों में बहुत पत्ते दिखने वाले हैं आप लोगों को, तो काफी सुंदर है भाई यहाँ पे। निधिवन मंदिर में राधा कृष्ण भगवान जी का बहुत सुंदर महल है और यह रंग महल ना जंगल से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे ना कृष्ण भगवान जी की राधा बहुत सुंदर मूर्ति है रंग महल में। और यहाँ पे ना रासलीला खत्म होने के बाद कृष्ण भगवान जी और राधा रानी जी यहाँ पे विश्राम करते हैं।
छोड़े थे राधा रानी ने। और चलिए यहाँ पे हमने निधिवन जी के भी बहुत सुंदर दर्शन कर लिए जितना हो सके मैंने आपको भी कराए। और ये जमुना किनारे कितना सुंदर बना रखा है महल। और ये आरती घाट है, यहाँ पे मंदिर है आरती करने के लिए। और आप देख सकते हैं जमुना नदी है जहाँ पे अनेक प्रकार की लीलाएं करी थी कृष्ण भगवान जी ने। और सच्ची में यहाँ पे रहने का तो बहुत मन कर रहा है, और जितना हो सके ना मैं तो यहाँ पे बहुत वीडियो बनाने में लगी हूँ। और यहाँ पे ना ये यमुना नदी घाट है, तो आपने देखा होगा कितना बड़ा महल जैसा लग रहा था। यमुना नदी यमुना घाट घाट मंदिर है, और काफ़ी महल जैसा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। तो चलिए साथ के साथ चले गए, हम भी चलते हैं। जितना हमें ऑटो से चलना पड़ रहा है ना उतना ही हमें पैदल भी चढ़ना पड़ रहा है, और हम चल चल के ना बहुत थक गए। तो इसके बाद हम बाकी बिहारी जी के दर्शन करते हैं। हमारे पैरों में छाले पड़ चुके हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, बट हमारा हौसला अभी भी बुलंद है। लेकिन अब अभी हम प्रेम मंदिर जाएंगे, और जितना हम रिक्शे में चल रहे ना उतना ही हम पैदल भी चल रहे हैं। हमारे ऑटो खड़े होकर था, हम अपने ऑटो के पास पहुंच गए। दिन में क्यों नहीं बैठे भाई तुम इधर पीछे, एक सेकंड। हाय, हम भी ऐसे लटक के आए और ब्लॉग बनाते बहुत खुश है। नमस्कार, आपका दोस्तों मेरे प्रोग्राम पर स्वागत है। चलिए हम भी बैठते हैं ऑटो में। अभी हम ना ऑटो में बैठे हुए जैसे पहले बैठे थे, और धूप है। तो चलिए अभी हम बाकी बिहारी जी के दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। और हमें बहुत ज्यादा टाइम हो गया यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे ना चश्मा लेके भाग गया दीदी का बंदर, दीदी के चश्मे लेके चला गया। मना ना कर रहा तुम पे, हम तो दीदी का चश्मा लेके चला गया। अब मेरी फोन की बारी है, इतनी दूर चला गया। अरे उसने तो कैसे कर दिया। ले दीदी, आपके यहाँ पे वो बंदर आ गया, चश्मा लेके चला गया था। कहाँ है, इधर फेंका उसने, देखा ना है। हाँ वो चश्मा चबा रहा है भैया, हो रहा उधर ले देना उसे, ऐसे दिखाना ले। ओ उधर वाले में, उधर वो अंदर है ले चश्मा दूसरे पे। हाँ वो देखो मोड़ रहा है, वही दीदी का चश्मा लेके ही चला गया। बुलाओ उसे, आ जाएगा भाई। हाथ में फ्रूटी थी ना इसलिए बंदर हमारे पास एकदम से झपेटने के लिए आ गए। मैं तो आगे भाग के, मैंने कहा अपना भी रहेगा वो चश्मा। चलिए भाई हम भी चलते हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने। और यहाँ पे ना बंदर दीदी का चश्मा लेके चला गया, मेरे को भी अपना फोन छुपाना पड़ेगा। दिन दहाड़े चोरी हो रही है, बंदर ऐसे छीन के ले जा रहे हैं, सब बोल रहे फोन में पकड़ो, फोन में पकड़ो, इधर 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 ले जाएगा। और चलिए भाई रख देती हूँ मैं, बंदर देख रहे भाई, रहने देती हूँ, मैं रिस्क नहीं लेती। इतनी मेहनत करती हूँ वीडियो बना के, सबसे बड़ी बात है मेरी वीडियो की है कि वो भी साथ में जाएगी बंदर के। आके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं यहाँ से, तो आप भी हमारे साथ दर्शन करिए साथ साथ। टोपी लेके चला गया इनकी, तो मांग रहे तो देंगे नहीं। देखो भैया दीदी का चश्मा यहाँ पहुँच गया, देखो और तोड़ दिया, देखो तो दीदी का चश्मा तोड़ दिया भाई, यहाँ पे खत्म। यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे दिख भी गया, उसे तोड़ भी गया दीदी का चश्मा। अब भाई मेरी फोन की बारी है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए रास्ता इधर, तो देखिए भाई कितनी पब्लिक है, भीड़ बहुत है बाकी बिहारी जी के। आ जाओ भाई, आ जाओ साथ, आ जाओ। चलिए चलिए बाकी बिहारी जी की चलिए। राधे राधे, और बहुत ही सुंदर वृंदावन मंदिर की। बाकी बिहारी जी की ऐसी कृपा बनी रहे, इसी के साथ
जी के पास, तो चलिए कोई बात नहीं और मैं चलने लेके आई थी सिर्फ रखने के लिए, तो पता ही नहीं चला कब से रख गई, मेरे से जो ऑटोमेटिक ये दुपट्टा आ गया चलो सारी का। कान्हा जी के सुंदर सुंदर वस्त्र और काफी अच्छे रेट में यहाँ पे, ज्यादातर आपको कान्हा जी के वस्त्र, कान्हा जी, राधा रानी देखने के लिए मिलेंगे। और को देखो किसी न किसी के चश्मे लेके बैठे हुए, तो भाई ऐसे तोड़ फोड़ करने में लगे हैं, तोड़ फोड़। और यहाँ हम गली गली से जा रहे हैं और ये इतनी सारी गलियां है ना, तुम वैसे भूलोगे नहीं तुम, ठीक है यहाँ पे सब बोल रहे बंदर ले जाकर वीडियो मत बनाओ, और तो इतनी गलियां हैं ना, तुम घूम फिर के ना तुम वही मंदिर में गली में पहुंच सकते हो, तुम्हें गली का मालूम होना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ हो गई, मैं फोन को रख देती हूँ भाई क्योंकि बंदर बंदर डर है बंदरों का। तो हम करते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन, आप लोगों को भी मैं करा सकूँ तो मैं जरूर कराऊंगी राधा वल्लभ जी के दर्शन, और हमारे बाकी बिहार जी ठाकुर जी की तो बहुत बड़ी कृपा है, अच्छे से हमारे दर्शन हो गए सब। यहाँ पे श्री राधा वल्लभ मंदिर है, तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको भी, हरम भी करते हैं। राधा वल्लभ मंदिर पे जाने के लिए ना बहुत सारा घूम के जाना पड़ता है, बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं ये लोग। अभी भी आपको पुरानी संस्कृति देखने के लिए मिलेगी, कितने पुराने सुंदर महल पुराने जमाने के बना के बनाए हुए हैं। तो चलिए हम भी राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं। ओह बंदर, मैं तो भूल ही जा रही इनको। तो यहाँ पे है श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो चलिए आपको भी करवाते हैं, हम भी करते हैं। तो यहाँ पे पंखा देखो आप, और यहाँ पे ना पंखा काफ़ी बड़ा है, मैं यहाँ पे दूसरी बार देख रही हूँ इतना बड़ा पंखा, और हवा भी आ रही है काफ़ी। वृंदावन में पहली बार आके यहाँ देखती हूँ कि मंदिरों में ना पर्दे लगाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी दो दो मिनट में पर्दे लगाए जाते हैं यहाँ पे। कितनी बार बाकी बिहारी जी के मंदिर में भी करा था, यहाँ पे भी करती है, क्यों भगवान जी कहीं भावुक हो गए ना साथ में, भक्तों के साथ ना चल पड़े, इसकी वजह से ना यहाँ पे बार बार पर्दे लगाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है और सब यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ गए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, सच में कितना सुंदर मंदिर है। और आप पंखा देख सकते हो कितना बड़ा है, और सच में पंखे की हवा भी आ रही है इधर। और चलिए हमने यहाँ पे बहुत सुंदर दर्शन कर लिया, अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे हमारे बहुत सुंदर दर्शन हो गए बांके बिहारी जी के भी और राधा वल्लभ जी के भी। तो अभी हम जाएंगे अपने रिक्शे के पास, और फिर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हम पूरे दिन सुबह से घूमने में लगे हैं, तो अभी हम जाएंगे प्रेम मंदिर। और यहाँ पे ना आप जाके मुझे ना अंजलि मिली हुई है, और हम इसी गली से अंदर गए थे और यही गली में ना हम दोबारा पहुँच गए। पहली बार आओगे ना गलियाँ तो एक बार में पहचान लोगे, यहाँ की गलियाँ ऐसी है पता है। और यहाँ पे लोग ना बहुत दूर दूर से आ रखे हैं, तो अभी भी लोगों की बहुत भीड़ लगी है दर्शन करने के लिए। जगह कितनी रौनक है, अभी भी लोग मन में यहाँ पे इतना घूमने का मन कर रहा है ना, मन कर रहा है यहीं गलियों में ऐसे घूमते रहे। तो चलिए अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, और सच्ची में आप सब कह रहे बंदा ले जाएगा बंदा ले जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पा रही। तो अब मैं चलो ऐसा करती हूँ वीडियो भी रुक जाती हूँ, कहीं पर स्थान पर जाएंगे तो वहीं पर वीडियो बनाएंगे। बहुत लोग हैं प्रेम मंदिर के लिए जा रहे हैं, तो अभी हम भी प्रेम मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और ना यहाँ पे ना बहुत भीड़ हो गई प्रेम मंदिर के लिए भी। और हमें ना पीछे रिक्शा था हमारा जो ई रिक्शा, तो पीछे है, तो हम अभी थोड़ा पैदल जाएंगे और यहाँ पे हम प्रेम मंदिर के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं। और सॉरी यार मैं वीडियो नहीं बना पा रही, हम इसको इतना थक गए ना यहाँ, बहुत ज़्यादा थक गए और इतने परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। पर चलो ये परेशान में भी बहुत आराम है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप पहुँचे प्रेम मंदिर का भी, तो देखिए भाई कैसे करेंगे हम दर्शन भी आराम से कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेम मंदिर में भाई, यहाँ पे तो बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे तो मंदिर के अंदर तो है ही भीड़, पर आपने रोड में भी देखा होगा, रोडों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, रोडों में रास्ते ही नहीं दिख रहे थे किधर से किधर जाना है, लोग तो ऐसी दीवारें लगा के जा रहे थे। आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे राधे।
रही वो रही कविता और देखो रही वो उधर उधर देखो हाथी लाओ सीला और कविता अरे हाथ उठाओ वहाँ पे हाँ ध्यान तो देते नहीं आप उनको आप देखो पकड़ के लाओ इतना ज्यादा प्रेम मंदिर का कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे प्रेम मंदिर और हमने तो फोन में ही देखे थे आज उन्हें लाइव दर्शन भी कर लिए और यहाँ पे ना मंदिर के कलर देख सकते हो कभी पिंक कभी पर्पल कभी रेड कभी ग्रीन कलर हो रहा है तो आप देख सकते हो काफी सुंदर नजारा है और अभी हम मंदिर के पीछे की साइड खड़े हैं तो मंदिर जैसे ना आगे से डिजाइन है ना सेम पीछे का डिजाइन भी ऐसी सेम टू सेम है मंदिर का ये मंदिर ना इतना सुंदर इतना बड़ा फैला हुआ ना काफी बड़े एरिया में फैला है देख सकते हो कान्हा जी बीच में और बलदाऊ जी और इनकी गैया चल रही है यहाँ पे वालों को देखो कैसे बैठे हुए कितना सुंदर लग रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पानी का चल रहा था ये बंद हो गया तो और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी और राधा रानी जी और सारी गोपियाँ और जितनी गोपियाँ ना उतनी कृष्ण भगवान जी बने हुए हैं और उनके साथ ना रासलीला कर रहे हैं और कितना सुंदर नज़ारा अद्भुत नज़ारा सच्ची में बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है यहाँ पे सुंदर फूल है और यहाँ पे गोपी राधा का कितना सुंदर दर्शन हो रहा है यहाँ पे मंदिर में ना दर्शन करने के लिए जा रहे थे अंदर तो सामने ही बहुत सुंदर नज़ारा है कृष्ण भगवान जी ने पर्वत उठाया हुआ है और गोकुलवासी सारे पर्वत के नीचे तो काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है और यहाँ पे ये प्रेम मंदिर ना जितना ही सुंदर बाहर से ना उतना ही सुंदर नज़ारे अंदर से कितना सुंदर नज़ारा है हर एक जगह पे ना खंभों में ना डिजाइन बना रखे हैं और काफ़ी अच्छे झूमर लगा रखे हैं और काफ़ी सुंदर प्यारा नज़ारा लग रहा है यहाँ पे सच्ची में यहाँ देख के तो मन ही खुश हो गया एक दर्शन के बाद दूसरे दर्शन कर रहे हैं तो सच्ची में बहुत सुंदर और भी आनंद आ रहा है दर्शन करने में सबसे पहले दर्शन हम करके आए और अभी तक लास्ट दर्शन ये हमारे तो सच्ची में बहुत सुंदर दर्शन और अभी तो हमारा इतना मन शांत हो गया ना जितनी भी थकान थी सारी थकान ये मंदिर में आके निकल गई हमारी जितनी थकान थी ना सारी थकान उतर गई हमारी मंदिर में आके भगवान जी को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे कि कितना धक्का मुक्की करके भगवान जी के दर्शन करना चाहते हैं उनसे बातें करना चाहते हैं मुझे तो बहुत आनंद आया कितना सुंदर लग रहा है गोवर्धन पर्वत और बारिश की छींटे दिख रहे हैं यहाँ पे आपको बस के सामने पहुंच गए और यहाँ पे खाते हैं हम खाना और यहाँ से सीधा घर जाएंगे और मिलते हैं आपको बस में और मेरे ना फोन में बिल्कुल बैटरी नहीं है तो मैं शायद वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी आज तो हमारा बहुत थका देने वाला सफर रहा हमसे खाना बना के ले आए थे तो हमें यहाँ पे बस स्टॉप में खिला रहे और खाने में आप देख सकते हो हमारी पूरी आलू और सूजी है चलिए अब खाना खाते हैं भूख भी लगी रही थी मैं घूम घूम के कैसे लग रहा है खाना अच्छा लग रहा है कल लगड़ो खाना भले लगड़ो अरे कल लगड़ो ना तुमने खाड़ो क्यों पड़ो और बराती हो और दीदी कल लगड़ो खाड़ो को तुमने कल लग और यहाँ पे सब बैठे हुए खाने के लिए भाई दीदी खाना कैसे बन रहा है अच्छा लग रहा है और दीदी मजा आ गई खाने में तृप्त हो गए धन्यवाद कमला का धन्यवाद भाई साहब का धन्यवाद बनाने वालों का चलिए जी हम लोग बस में बैठ गए और हमारी बस भी चलने लगी और अब हम सीधा दिखेंगे आप लोगों को घर पे नींद आ रही है ना सब लोग तो चलिए अभी हमारी बस भी चलने लगी दिल्ली के लिए और अब सीधा मिलेंगे आपको दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है और अब वीडियो भी बना पाएंगे तो चलिए हमारी बस भी पहुँच गई लोधी रोड में हम सब लोधी रोड में उतर गए आधे लोग तो पहले ही उतर गए थे पहुँच गए घर पे नींद आ गई जैसे में बहुत थक गए थे पैर के नीचे ऐसे चुभ रहे हैं फोन ना थोड़ा ऐसे चुभ गए पैर के नीचे तो चलिए अब चलते हैं हम घर की तरफ
चलो भाई राधे राधे, ये कहाँ जाएंगे अब हम पैदल? हाँ चलो भाई राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाडू ला, मैं क्या पकड़ू बेटा? तो दिल्ली की और वृंदावन की ये बात है। देखो रात के हम 1:30 बजे यहाँ पहुँच भी गए और 10 बजे तक हम 10:30 बजे निकले थे वहाँ से, और यहाँ पे खाली पैदल चलते हुए हम दिख रहे हैं। वहाँ भी कान्हा जी की भूमि है और राधा रानी जी की, तो वहाँ भी कितने लोग भगवान जी के दर्शन के लिए भाई दिन में भी ना परिक्रमा कर रहे थे रोडों पे, बहुत सारे लोग थे भाई। और लग रहा था कि भाई दिन हो रहा है ऐसे चहल पहल रात के टाइम पर भी, और यहाँ तो हम ही हम दिखाई दे रहे अभी, और कोई नहीं है यहाँ पे रोडों पे हमारे अलावा दिल्ली पे। और यहाँ पे हम घर पे पहुँचने के बाद इसको भूख लग गई, तो ये खाना खाने में लग गए हैं लाडू। और उसके पापा ने बना रखा था आलू पालक, और इसको खानी होती है रात को दही, जबकि रात को दही नहीं खाते हैं। और भाई हमारे पैरों के हाल देखो कैसे सूज गए, इतना पैदल चल रहे बताओ, हम इतना चले होंगे ना कि पैरों में सूजन आ गई। हम ना घर पे पहुँच गए, और यहाँ पे दीदी जी आती है पर दीदी को शर्म आ रही है वीडियो में आना, तो नेगी जी भी आ गए घर पे, और गुल्लू भी, गुल्लू सब सो रखे थे और इसको भूल ले गए दीदी हमारे आने में छुई थी। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और हाथ पैर ना अब दुख रहे हैं, पूरे रास्ते में इतना कुछ दुख नहीं रहता है, हाथ पैरों में दर्द नहीं हो रहा था, और अब जाके पैर हाथ दुख रहे हैं और हिलने का मन नहीं कर रहा एक जगह पर। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय जीवन।